मिसमिल्मान रहीम डॉन चिल्ड्रन एकेडमी स्टूडेंट्स टुडे आई विल टीच यू सब्जेक्ट साइंस टू क्लास सिक्स ओपन योर बुक पेज नंबर फोर्टी सिक्स चैप्टर नंबर सिक्स क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग थिंग्स जानदार अशिया की दर्जाबंदी क्लासीफिकेशन ऑफ लिविंग थिंग नंबर वन ऑल लिविंग थिंग्स आर क्लासीफाइड इन टू एनिमल्स एंड प्लान्स तमाम जानदार अशिया को की दर्जा बंद दर्जा बंदी की गई है दो ग्रुप्स में तकसीम किया गया है जानवर और पौधे द एनिमल्स एंड द प्लान आर फर्दर क्लासीफाइड इन टू स्मॉलर ग्रुप जानवर और पौधों को फिर मज़ीद छोटे ग्रुप्स में तकसीम किया गया है दिस क्लासिफिकेशन इज़ ऑफन बेस्ड ऑन देर स्पेसिफिक करेक्टरस्टिक्स सच एज़ द लिविंग प्लेसेस, स्ट्रक्चर, मूड ऑफ न्यूट्रिशन एंड रिप्रोडक्शन एक्सेट्रा ये दर्जाबंदी ज़्यादातर की जाती है उनकी खसूस नुमाया खूसियात की बिना पर जैसे कि उनका मस्कन क्या है कहाँ रहते हैं वो कुछ जानवर पानी में रहते हैं कुछ रेगिस्तानों में रहते हैं कुछ आम ज़मीन पे रहते हैं यानी कहने का मतलब यह है कि मस्कन उनका कहाँ पे है उस इस बिना पर दर्जाबंदी की गई होती है कुछ उनकी साख्त के बारे में की गई होती है ये सब अभी पढ़ाएंगे ना कि साख्त की बिना पर कैसे दर्जा की गई कुछ उनके मूड ऑफ न्यूट्रिशन उनका ग़ा लेने का तरीका क्या है कैसे वो ग़ा हासिल करते हैं फिर उसे इस्तेमाल करते हैं और कुछ की उनकी रिप्रोडक्शन उनकी अफज़ाइश नस्ल कैसे होती है इस बिना पर दर्जाबंदी की जाती है सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफ द ऑन द बेसिस ऑफ हैबिटेट दर्जा बंदी उनके मस्कन के बिना पर जो की जाती है उसको कहते हैं क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ हैबिटेट हैबिटेट मस्कन क्या है अ प्लेस इन नेचर फेर एनिमल्स और प्लांट्स लिव एंड ओपटेन देयर फूड इज़ नोन एज एट्स हैबिटेड वो जगह या मकाम जहाँ जानवर और पौधे रहते हैं पैदा होते हैं अपने गज़ा लेते हैं वो वाली जगह उनका मस्कन कहलाती है सब एनिमल्स एंड प्लांट्स लिव ओनली इन वाटर तुमने देखा होगा बास जानवर सिर्फ पानी में रह सकते हैं जैसे मछलियाँ मछली को पानी से बाहर निकाल दो मर जाएगी वाइल अदर्स लिव ऑन लैंड और कुछ जानवर ज़मीन पे रहते हैं अब तुम ना मगर वो लोमड़ी है उसको तुम पानी में डाल दो मर जाएगी तो क्या नहीं रिहाइश जो होती है उनका मस्कन जो होता है वो उसी पे रह सकते पानी वाले जानवर पानी में रहने वाले खुशकी पे नहीं रह सकते और खुशकी में रहने वाले जानवरों को अगर पानी में डुबो दिया जाए तो वो वहाँ मर जाएंगे दो ऑर्गेनिज़म्स विच लेव इन वाटर आर सेड टू बी इक्वेटिक ऑर्गेनिज्म जो जानदार पानी में रहते हैं उन्हें हम आबी जानदार कहते हैं दो ऑर्गेनिजम्स विच लेव ऑन लैंड आर सैड टू बी टेरिस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म और वो जानदार जो खुश्की पर रहते हैं ज़मीन पर रहते हैं उनको ज़मीनी जानदार कहते हैं पहले हम इक्वेटिक एनिमल और प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे यानी आबी जानवर और पौधे इक्वेटिक एनिमल्स एंड एन प्लांट्स, आबी जानवर और पौधे नंबर वन ऑल दोज ऑर्गेनिजम्स विच लिव इन सी रिवर्स लेक्स एंड पॉइंट आर क्लासीफाइड एज इक्वेटिक एनिमल्स एंड इक्वेटिक प्लांट्स। तमाम वो जानदार इसमें पौधे भी आते हैं जानदारों में और जानवर भी आते हैं ऑर्गेनिजम्स जानदार जिसमें जानवर भी आते हैं और पौधे भी आते हैं ऑल दोज ऑर्गेनिजम इन सी वो तमाम जानदार जो समंदर में रिवर्स दरियाओं में लेक्स झीलों में एंड पॉइंट्स और तालाबों में रहते हैं आर क्लासिफाइड एज इक्वेटिक एनिमल्स एंड प्लांट्स उन जानवरों को आबी जानवर और पौधों को आबी पौधे कहा जाता है नंबर टू समवेटिक प्लांट्स पार्टली फ्लोट ऑन द सर्फेस ऑफ द वाटर

कुछ जानवर तुमने देखे होंगे जैसे मेंढक है मगरमच्छ है क्रोकोडाइल मगरमच्छ टोडवाइस टौ, कछुए, वो पानी में भी रहते हैं और जब वो ज़रूरी समझते हैं तो बाहर खुशकी पर भी निकल के आ जाते हैं सन एनिमल्स लाइक फिशेस, ऑक्टोपस एंड स्टार फिश लिव इन वाटर ऑल देयर लाइफ कुछ जानवर ऐसे हैं जो बिल्कुल खुशकी पर नहीं आते जैसे मछलियाँ ऑक्टोपस भी जानवर का नाम है स्टारफिश फिश भी सितारा मछली भी एक जानवर है आबी आबी जानवर है ये मुस्तकिल पानी में रहते हैं बाहर निकाल के अगर बाहर रखोगे ना तो मर जाएंगे बी टेरिस्ट्रियल एनिमल्स एंड प्लांट्स ज़मीन पर खुशकी पर रहने वाले जानवर और पौधे एनिमल्स विच लिव ऑन लैंड आर कॉल्ड टेरिस्ट्रियल एनिमल्स वो जानवर जो खुशकी पर रहते हैं ज़मीन पर रहते हैं उनको हम ज़मीनी जानवर कहते हैं दीज आर हॉर्सेस इनमें जो ज़मीन पर रहते कौन शामिल हैं घोड़े काउस गाय डॉग्स कुत्ते कैट्स बिल्लियाँ कैमल्स ऊन लाइंस शेर डियर हिरन मंकी बंदर लिजर्ट्स छिपकली एंड स्नैक्स और सांप वगैरह ये सब खुशकी पे पाए जाते हैं खुशकी के जानवर हैं जमीन ज़मीनी जानदार हैं अग्रेट नंबर ऑफ एनिमल्स सच एस बियर्स फॉक्सिस लाइंस टाइगर्स जेब्रा डियर एंड एलिफेंट्स लिव इन फॉरेस्ट कुछ जानवर जंगल में ये सारे जानवर जिनके नाम लिए तुम्हें तुम्हारे सामने ये सब जानवर कहाँ रह, रहते हैं जंगल में पाए जाते हैं जंगली जानवर कहलाते हैं दे आर कॉल्ड फॉरेस्ट एनिमल्स इनको जंगली जानवर कहा जाता है सर साम एनिमल्स लाइक स्कॉर्पियक्स एंड कैमल्स लिव इन द डेजर्ट कुछ जानवर जो हैं वो रेगिस्तान में रह रहते हैं जैसे कि अभी मैंने जानवरों के नाम लिए स्कॉर्पियन है सांप है सांप रेगिस्तानों में तो बहुत ही होते और ऊंट को तो रेगिस्तान का जहाज़ ही कहा जाता है बहुत तेज चलता है रेगिस्तान में उस तो ये रेगिस्तानी जानवर कहलाते हैं दे आर कॉल्ड डेजर्ट एनिमल्स अब पौधे प्लांट्स डेट ग्रो इन हॉट एंड ड्राई प्लेसेस आर कॉल्ड डेजर्ट प्लांट्स कुछ पौधे ऐसे भी होते हैं जो रेगिस्तानों में पाए जाते हैं रेगिस्तान में पानी बहुत कम होता है वो उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजार सकते हैं तो पौधे जो खुश्की में रहते हैं तो पौधे जो खुशकी में रहते हैं लेकिन बहुत खुश्क जगह पे रहते हैं पानी नहीं होता रेगिस्तान में रहते हैं उन पौधों को भी रेगिस्तानी पौधे कहलाते हैं दीज आर जनरली स्मॉल इन साइज बुश लाइक एंड थॉर्नी और अक्सर पौधे जो उस पे रहते हैं रेगिस्तान में रहते हैं खुश जगह पे रहते हैं उनके जिसम पे वो अमूमन साइज़ में छोटे होते हैं और जिसम पे कांटे काटे से होते हैं तो स्टूडेंट्स ये आपने कुछ आप ये खुशकी के जानवर और पौधों के बारे में पढ़ा और इससे पहले आपने आबी जानवर और पौधों के बारे में आज पढ़ा ठीक है इसको ज़रा ग़ौर से पढ़िए समझिए और बार बार रिवाइज़ कीजिए